रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं सॉर्टिंग के कुछ ट्रिक्स के बारे में। तो आपके सामने ये नंबर डेटा दिख रहा है, मुझे क्या करना है कि इस डेटा में मुझे तीन के बाद एक ब्लैंक ऐड करना है कुछ इस तरह से। तो मैनुअली इसको ऐड करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो कैसे ऐड करें वन बाय वन के लिए तो बताया था मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि तीन बार ऐड करना है तो हर नंबर को तीन बार लिखेंगे, वन टू या वन लिख दिया, और ऊपर वाले में हम इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे प्लस वन, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि हर नंबर हमारा थ्री टाइम्स आ गया। तो मैं देखिए यहाँ पे क्या है, वह ये है आपका 266 नंबर है, तो फिर मैं नीचे तक ए लिखूँगा और सीरीज की मदद से, जो हमारा सीरीज है सीरीज की मदद से हम यहाँ 266 तक का सीरियल नंबर का जनरेट करेंगे। तो क्या हुआ कि ऊपर में हर नंबर थ्री टाइम है, एवरी नंबर थ्री टाइम है, और नीचे जो हमारा है नंबर सिर्फ वन टाइम है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सीरीज इसमें शॉर्ट में, और कस्टम शॉर्ट में जाने के बाद हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देंगे। तो हर नंबर के बाद, हर तीन नंबर के बाद एक ब्लैंक रो आपके सामने दिख जाएगा। क्लियर है सर? क्लियर है सर। अब बात आती है इसमें, अभी से एक क्वेश्चन और उठ के आया कि क्या है कि आपके डेटा में बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, तो हम इस ब्लैंक्स को कैसे रिमूव करेंगे? क्वेश्चन आता है तो इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिल्टर और बाकी चीजें भी अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, सिमरन जी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ओके, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया आपने? राव तो कर रखा हूँ मैं। रिकॉर्डिंग तो हो रही है? नहीं नहीं हो रही है, आपने नहीं करा है। ये अभी से स्टार्ट होएगी फिर? अब होगी स्टार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कस्टम शॉर्ट में आएंगे और इसमें आईडी को सिलेक्ट करेंगे। हमने क्या किया, आईडी को सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। कोई भी एक डेटा को सिलेक्ट करके आप शॉर्ट कर दें तो क्या होगा कि सारा डेटा जो है ऊपर आ जाएगा और जो ब्लैंक रो है वो नीचे चला जाएगा। तो एक तरह से डिलीट भी नहीं होगा और वो नीचे चला जाएगा और आपका ब्लैंक रिमूव भी हो जाएगा, क्योंकि फिल्टर लगा के डिलीट करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त बर्बाद होता है और पीछे का डेटा डिलीट होने के भी चांसेस होते हैं। इसमें चलिए एक और हम ट्रिक्स की बात करें। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा आता है, आपके सामने मैं एक छोटा सा डेटा बना रहा हूँ, मान लीजिए नंबर्स के मान, नंबर्स है, और मुझे क्या करना है कि जितने भी ये नंबर्स हैं तो ठीक है ये हमारे सेल्स है, और मुझे इसका इसके बगल में इसका अचीवमेंट परसेंटेज भी देना है। 70 मान लीजिए सबका परसेंटेज है, सबके बगल में इसका परसेंटेज हमें देना है, मतलब कि हर बार मुझे एक नया ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है
परसेंटेज का सैंपल हेलो लेना है। जी बोलिए। हेलो सर, मेरे स्क्रीन स्क्रीन पे पे कुछ कुछ हो हो गया, गया, पता पता नहीं, नहीं, मैं मैं देख देख नहीं नहीं पा पा रहा रहा हूँ। हूँ। मिनिमाइज हो गया होगा, जूम पे जाइए ना वापस। दिखा आशीष जी, दिख रहा है स्क्रीन मेरी आपको? नहीं 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 सर, एक मिनट में खोल रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है सर, ओके, ठीक है, राइट, गो अहेड। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे जाके डिवाइड बाय 70 करना है। तो हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना, फिर उसमें फॉर्मूला लगाना। ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है क्योंकि मैनुअल करना होगा। तो इसको अगर हम बात करें ट्रिक्स के जरिए, तो हम एक ब्लैंक रो इंसर्ट करेंगे और फिर यहाँ पे सीक्वेंस नंबर देंगे। जी हाँ, सीक्वेंस नंबर। फिर इसी सीक्वेंस नंबर को कॉपी करेंगे और इसके बाद में सबसे लास्ट में, सॉरी, इसको कॉपी करके सबसे लास्ट में यहाँ हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो नंबर क्या हुआ, रिपीट हो गया। फिर यहाँ हेडिंग में हमने क्या किया, सीक्वेंस दे दिया और हेडिंग को रिपीट कर दिया। ओके फिर हम इस बार क्या है कि हेडिंग इसको नहीं सिलेक्ट करने वाले हैं, हम जो है डेटा को सिलेक्ट करेंगे, पूरे डेटा को। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट करने वाले हैं, वो भी लेफ्ट टू राइट। तो कस्टम शॉर्ट में ऑप्शन पे जाके लेफ्ट टू राइट करेंगे और हम रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे। तो क्या होगा, हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा और उसका हेडिंग ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ गया। और फिर मैं इस रो 1 को डिलीट करता हूँ और फिर डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि जितने भी ब्लैंक्स है उस पर डिवाइड का फॉर्मूला लगाना है। तो इसको भी मैनुअली ना करके हम जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट के गो टू स्पेशल में। देखिए, फाइंड एंड सेलेक्ट के गो टू स्पेशल, यहाँ गो टू स्पेशल में क्या होता है कि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, जो भी सिलेक्टेड एरिया का कोई भी पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कंटेंट सेलेक्ट कर लें, फॉर्मूला सेलेक्ट कर लें, ब्लैंक सेलेक्ट कर लें, करंट रीजन कर लें, एरे कर लें, या लास्ट सेल पे चले जाएं, विजुअल सेल्स पे चले जाएं। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक किया तो क्या हुआ कि मेरे डेटा में जितने भी ब्लैंक सेल है वो सारा सेलेक्ट हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन में क्या होता है कि जैसे एक एरिया आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो अगर आप यहाँ पे कोई टाइप करेंगे तो पहले में टाइप हो जाता है, फिर एंटर प्रेस करें तो नीचे आ जाता है, उसके नीचे आ जाता है। लेकिन अगर आप एंटर प्रेस ना करके कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो क्या होगा कि जिस जिस सेल में आप टाइप कर रहे हैं उसी की वैल्यू पूरी सिलेक्टेड एरिया में कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो सेम चीज मैंने क्या किया, हमने बोला कि 35 B2 डिवाइड बाई 70 और मैंने यहाँ पे नॉर्मल एंटर नहीं मारा, क्योंकि अगर नॉर्मल एंटर मारूंगा तो सिर्फ C2 में एंटर होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया तो जितने भी सिलेक्टेड हमारे ब्लैंक सेल थे सब पे जाके आपका कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहाँ मैं परसेंटेज का सैम्बल पे क्लिक कर दिया, मेरा परसेंटेज हो गया। तो जो काम घंटों का था, छोटी सी ट्रिक्स की मदद से उस काम को हमने कुछ सेकेंड्स में या मिनट्स में कर लिया। ठीक है राशि जी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिल्टर के बारे में। तो हमने शॉर्टिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, बात करते हैं फिल्टर। देखिए, फिल्टर कोई खास इसमें नहीं है, फिल्टर का मतलब ये है कि आप जो देखना चाहे वही देखें, बाकी डेटा आपका हाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे सिर्फ पूजा या फिर मान लीजिए अमर का डेटा देखना है, तो मैं फिल्टर का निशान पे जाऊंगा और सेलेक्ट ऑल को अनचेक करके सिर्फ अमर को सिलेक्ट करके ओके करूंगा, सिर्फ अमर का डेटा दिखेगा, बाकी डेटा छुप जाएगा। तो इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, इसमें तीन तरह के फिल्टर होते हैं, नंबर फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर एंड डेट फिल्टर। इस कॉलर में टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट फिल्टर होगा। तो जैसे कि फिल्टर में आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, या फिर ये आपके फिल्टर में कुछ कंडीशंस होते हैं,
जैसे इक्वल एक पर्टिकुलर नाम डाले, डज नॉट इक्वल उस नाम के अलावा, जैसे मैं चाहता हूँ कि अमर के अलावा सारा दिखे, तो डज नॉट इक्वल में जाके अमर डाल दूंगा। बिगेन विथ, अब मुझे पूरा नाम नहीं पता है, मुझे पता है कि वो ए एस से इसका नाम शुरू है स्टार्टिंग में, तो हमने ए एस डाल के ओके कर दिया, तो देखिए अशोक जो है आपका फिल्टर हो गया। इस तरह से क्राइटेरिया एन बीथ कंटेन डज नॉट कंटेन या कस्टम फिल्टर पे जाके आप एक से ज़्यादा वैल्यू डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे बिगेन बीथ में और यहाँ पे डाल दिया कि ए एस एच से स्टार्ट हो सकता है। ओके तो टेक्स्ट फिल्टर समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। टेक्स्ट फिल्टर के बाद हम बात करते हैं नंबर फिल्टर में। तो नंबर फिल्टर यहाँ जो आपको दिखता है वो दिख ही रहा है, और साथ में आप यहाँ जो देखेंगे ये आपके नंबर फिल्टर कंडीशंस है, जैसे इक्वल डिज नॉट इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बिटवीन टॉप टेन नंबर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो टॉप टेन नंबर आपका सेलेक्ट हो जाएगा, इस तरह से बॉटम टेन नंबर अबव एवरेज कि एवरेज से ऊपर वाला सेलेक्ट हो जाए एवरेज से बिलो वाला सेलेक्ट हो जाए वो चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है हमारा डेट फिल्टर। जब डेट में फिल्टर लगाएंगे तो ईयर के हिसाब से ऑलरेडी वो जो है इस तरह से ग्रुप हो जाएगा, तो 2020 का चाहिए अनचेक किया, 2020 में मुझे किसका चाहिए जिसको चाहिए उस पर क्लिक करेंगे उसका दिखेगा, बाकी यहाँ से अनचेक हो जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन में देखिए थोड़ी सी कंडीशन इसमें ज़्यादा है, जैसे कि इक्वल पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर डेट से पहले या बाद में या बीच का या सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग टुमारो का डेट या आज का डेट या स्टडे का डेट या नेक्स्ट वीक दिस वीक लास्ट वीक, ये सारा डिसीजन जैसे कनेक्टेड है आपका। और यहाँ पर ऑल आता है ईयर टू डेट, मतलब कि 1 जनवरी से लेकर आज तक की डेट, ऑल डेट इन पीरियड। देखिए आप देख रहे हैं कि मेरे पास 3 साल का डेटा है, तो अगर मान लीजिए मैंने जनवरी सेलेक्ट कर लिया तो तीनों साल का जनवरी का डेटा आएगा, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे आप अपने कंडीशंस लगा सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, आप कर सकते हो। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर आप कोई भी डेटा फिल्टर करते हैं उसको कॉपी करते हैं, तो फिल्टर क्या करता है आपके डेटा को हाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए कि इसने 3, 4, 5 को हाइड कर दिया फिल्टर की मदद से, लेकिन जब इसको हम कॉपी करेंगे जब पेस्ट करेंगे तो पूरा पेस्ट हो जाता है, समटाइम ऐसी प्रॉब्लम होती है कई सारे केसेस में। तो मैं बोलूँगा जब भी आप फिल्टर का डेटा कॉपी करते हैं, जो फिल्टर के अंदर का डेटा कॉपी करते हैं, तो एक काम करें कि फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएँ, गो टू स्पेशल में जाएँ, और यहाँ से सिर्फ जो है विजुअल सेल्स ओनली पे क्लिक करें। जी हाँ, विजुअल सेल्स ओनली, दैन ओके करें तो क्या होगा, सिर्फ विजुअल सेल्स ही सिलेक्ट होगा, पीछे का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। अब इसको कॉपी करके आसानी से पेस्ट करेंगे तो जो विजुअल सेल्स था वही पेस्ट होगा, ठीक है सर? ठीक है सर। ये थी हमारी आज की सेशन जो आपके साथ हमने डिस्कस की है। तो अब हमने यहां पे आपका होम मेनू खत्म कर दिया है। एनालिसिस डेटा कैसे रहे? होम मेनू बार खत्म कर दिया हमने, होम मेनू बार की जो टॉपिक्स थी वो खत्म कर दी है। लेकिन इसमें लास्ट में कुछ एनालाइज डेटा है ना सर? ये तो अलग चीज है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द होम मेनू, ये तो अलग बना हुआ डेटा है, हमने एड इन से लाया हुआ है। अच्छा अच्छा, होम मेनू उठा कर रखा हुआ है, आपके सिस्टम में नहीं होगा। देखिए मैंने है, मेरे सिस्टम में भी है सर। ये वी लुकअप और एच लुकअप कब होगा या हो चुका है? नहीं अभी होगा, अभी होगा, अभी जो हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं पिवट टेबल, और पिवट टेबल के बाद हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है। अभी आपकी अगला हफ्ता चलेगा और चलेगा इसी हफ्ता, इस हफ्ते तो चलेगा और चलेगा आपका पिवट टेबल। तो कल से हम पिवट टेबल की क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप होम मेनू बार का पूरा एक एक फीचर्स को एनालाइज कर लें और फिर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम है।
ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, बनाए और बना के मुझे भेज दीजिए, ओके सर, फिर हम कल से जो है आपका पिवट टेबल स्टार्ट करेंगे। ओके सर, ओके।